हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। इस वीडियो में आज हम क्लास ट्वेल्थ की बुक फ्लेमिंगो के एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 हेतु जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अंक विभाजन योजना को जान लीजिए, ब्लूप्रिंट जान लीजिए कि आपको इस किताब से कितने नंबर मिलने हैं, आपको इस किताब से कितने और कितने शब्दों के आंसर्स क्वेश्चंस के लिखने हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले जान लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको फ्लेमिंगो किताब से जो है 1, 2, 3 यानी एक नंबर वाले, दो नंबर वाले और तीन नंबर वाले क्वेश्चंस आने हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन चार नंबर वाला नहीं आना है और कुल आपको इस किताब से 33 नंबर यानी 33 मार्क्स यू विल गेट बाय दिस बुक। इस किताब को पढ़ के आप 33 नंबर अर्जित कर सकते हैं। ये 33 नंबर कैसे मिलेंगे जानते हैं। सबसे पहले इस किताब में आपको प्रोज पढ़ना है। प्रोज मतलब गद्य। तो आपको 8 जो है पढ़ने के लिए प्रोज दिए गए हैं और इन प्रोज को पढ़ के आप 21 नंबर प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? आपको एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे जो एक्सट्रैक्ट के रूप में होंगे। एक एक्सट्रैक्ट आएगा, आपको आपकी किताब के जो पार्ट हैं उनका कोई पैराग्राफ एक निकल कर आएगा जिसे आप पढ़ेंगे और नीचे लिखे उस पैराग्राफ के एक नंबर वाले 5 प्रश्नों को ओटी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में हल करेंगे, टिक लगाएंगे। फिर आपको दो दो नंबर के 5 प्रश्न हल करना है जिसमें 7 प्रश्न दिए जाएंगे। 7 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस और आपको 10 नंबर मिलेंगे। इन्हें शॉर्ट आंसर्स कहेंगे और इन शॉर्ट आंसर्स का जो लगभग शब्द सीमा है उत्तर की वो 30 से 50 शब्द होती है। 3 नंबर का आपको 2 प्रश्न करने हैं जो लॉन्ग आंसर के रूप में होंगे आपकी क्या कहते हैं फ्लेमिंगो बुक से प्रोज में। तो आपको 3-3 नंबर के 2 प्रश्न करना है लेकिन आपको दिए जाएंगे 3 और उसमें से आपको 2 करना है और इस तरह से आप 5, 10, 15 और 6, 21 नंबर गद्य यानी प्रोज को पढ़कर प्राप्त करेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलने पर अब हम देखते हैं कि हमें पोएम से क्या मिलेगा। फ्लेमिंगो बुक में आपको 5 पोएम दी गई हैं जो माई मदर एट 66 है, कीपिंग क्वाइट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, साथ में अ रोड साइड स्टैंड है और आंट जेनिफर टाइगर्स हैं। ये 5 पोएम पढ़ने के बाद आप 12 नंबर हासिल कर लेंगे। आफ्टर रीडिंग दीज 5 पोएम्स यू विल गेट 12 मार्क्स बाय दिस बुक। कैसे प्राप्त होंगे? एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे आपको जो एक एक्सट्रैक्ट के रूप में आपको पोएम की लाइन दी जाएंगी। उन लाइनों को पढ़ करके, जान करके, समझ करके आपको 3 प्रश्न ओटी यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे उनके आंसर्स देना है टिक लगा करके। फिर आपको दो दो नंबर के 3 प्रश्न दिए जाएंगे जो 6 नंबर आपको मिलेंगे पोएम से और ये शॉर्ट आंसर्स होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उसमें से 3 करना है। फिर आपको 3 नंबर का एक लॉन्ग आंसर पोएम से दिया जाएगा जो क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है और अधिकतर सेंट्रल आइडिया के रूप में रहता है। इसलिए सभी छात्र छात्राओं से कहना है कि वो 5 कविताओं के सेंट्रल आइडिया जरूर पढ़ लें और अ थिंग ऑफ ब्यूटी का जरूर पढ़ लें जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इस साल के लिए वो महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न है। तो आपको इस तरह से 12 नंबर कविताएं देंगी और 21 नंबर आपको गद्य यानी प्रोज देंगे और टोटल 33 नंबर आप फ्लेमिंगो से ले लेंगे। अब हम चल रहे हैं अपने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। लेसन वाइज मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके टोटल 8 लेसन हैं। इस वीडियो में आपको 4 लेसन मिलेंगे और आप अगले वीडियो में 4 लेसन को पाएंगे। चूंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने 8 लेसन को 2 पार्ट में भाग विभाजित कर दिया है। चलिए बात करते हैं हम लेसन नंबर 1 की जिसका शीर्षक है द लास्ट लेसन, जिसे लिखा है अल्फोंस डूडे ने। इस पार्ट के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। स्कूल के लिए क्या तैयार करने के लिए उम्मीद की गई थी उस दिन फ्रेंच से। 2022 में ये प्रश्न आया है।
इसका आंसर है फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद, ये तो क्वेश्चन से ही ले लेंगे हम। पार्टिसिपल, बस इसका एक शब्द ही उत्तर है पार्टिसिपल्स। ग्रामर में पार्टिसिपल्स एक टाइटल होता है जो ग्रामर में पढ़ाया जाता है, और यही टाइटल ठीक फ्रेंच से कहा गया था उनके टीचर एम हेमेल के द्वारा कि कल तुमसे हम पार्टिसिपल पूछेंगे कि वो क्या तैयार करे, पार्टिसिपल तैयार करे। बिकॉज क्योंकि एम हेमेल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हेमेल जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, कि वह उससे क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल विषय पर इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2022 में पूछा गया था। ये मैंने एक ग्राफिक लगाया, चित्र लगाया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये एम हेमेल है और ये लड़का जो खड़ा है ये फ्रेंच है। क्वेश्चन नंबर टू है व्हाई डिड नॉट फ्रेंच वांट टू गो स्कूल दैट डे। प्रैक्टिस सेट ए 2024 का यह क्वेश्चन है ठीक, कि उस दिन जो है फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। फ्रेंच डिड नॉट वॉन्ट टू गो स्कूल बिकॉज ही वॉज एफ्रेड ऑफ बींग स्कॉल्डेड दैट डे बिकॉज ही न्यू दैट हिज टीचर एम हेमेल सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स बट फ्रेंच डिड नॉट नो फर्स्ट वर्ड अबाउट इट। फ्रेंच उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उस वो डरा हुआ था कि उसे डांटा जाएगा उनके टीचर के द्वारा उस दिन, क्योंकि उनके टीचर ने कहा था कि वह उससे प्रश्न करेंगे किस विषय पर, पार्टिसिपल पर। परंतु फ्रेंच को पार्टिसिपल की ABCD भी नहीं आती थी, वो इस बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो डर रहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल का इस लेसन से, क्योंकि यह सैम्पल पेपर 2024 में भी दिया है और एक अच्छा क्वेश्चन है, नए टाइप का संभावित है कि ये परीक्षा में पूछा जाएगा, इसे अच्छी तरह याद कर लें। जस्टिफाई करिए टाइटल, जो स्टोरी का शीर्षक है द लास्ट लेसन। द टाइटल द लास्ट लेसन इज एप्रोप्रिएट बिकॉज इट वॉज एम हेमेल्स लास्ट लेसन। तो जो लास्ट लेसन शीर्षक है कहानी का वो बड़ा ही उचित है, एप्रोप्रिएट मतलब उचित है, क्योंकि इट वॉज एम हेमेल्स लास्ट लेसन, क्योंकि ये जो टीचर थे एम हेमेल उनका अंतिम पाठ था। एंड ऑल्सो द लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल, और यह अंतिम पाठ भी था उस स्कूल में जहाँ एम हेमेल पढ़ाते थे ठीक फ्रेंच भाषा का। During the last lesson, the teacher as well as those who were attending it were feeling nostalgic and repentant. तो जब ये lesson चल रहा था उस दौरान teacher साथ साथ जो लोग वहाँ पर इस lesson को attend कर रहे थे यानी शामिल थे या मौजूद थे were feeling वो महसूस कर रहे थे nostalgic यानी उदासीन and repentant यानी पश्चाताप महसूस कर रहे थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि आप आगे लेसन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रेंच भाषा थी ठीक वो अब इस इन स्कूलों में नहीं पढ़ा जाएगी, क्योंकि जर्मनी ने फ्रेंच फ्रांस पर कब्जा कर लिया था और बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि अब स्कूलों में, कौन से स्कूलों में, अल्सेस और लॉरेन नाम के शहरों में जो स्कूल हैं ठीक जो कि हमारे फ्रांस के हैं उनमें अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसलिए सभी लोग बहुत ही उदासीन और पश्चाताप महसूस कर रहे थे कि उन्होंने समय रहते अपनी भाषा को क्यों नहीं सीखा। अगला प्रश्न चौथा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। प्रैक्टिस पेपर 2024 के सेट बी में ये प्रश्न दिया गया है, बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड जो है सूचना पटल था उस पर क्या चिपका था। तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, ये आप कॉर्नर में देखिए, ये फ्रेंच स्कूल की तरफ जा रहा है और ये लोग खड़े हैं, ये बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हैं, इस बुलेटिन बोर्ड पे क्या चिपका था ये हमसे पूछा गया है। फ्रेंच सॉ देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो फ्रेंच ने जब देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी थी, फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल द बैड न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल्स द ड्राफ्ट्स एटसेट्रा हैड कम फ्रॉम देयर। तो पिछले 2 सालों से सभी प्रकार की बुरी खबरें और हारे गए युद्ध की खबरें, ड्राफ्ट्स यानी आदेश, हैड कम फ्रॉम देयर इसी बोर्ड पर आया करते थे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी थॉट
taught in the school of Alsace and Lorraine had been put up on the bulletin board. इस प्रश्न का यहाँ से आंसर शुरू होता है। अगर तीन नंबर में पूछा जाए तो आप इसको पूरा लिखिए, और दो नंबर में पूछा जाए तो आप यहाँ से लिखिए कि एक ऑर्डर बर्लिन से आया था कि ओनली जर्मन यानी केवल जर्मन भाषा वुड बी टॉट यानी पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन नाम के शहरों के स्कूलों में हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यही आदेश चिपकाया गया था बुलेटिन बोर्ड पर। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप और इन सारे प्रश्नों को रजिस्टर में लिख लीजिएगा ताकि आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर सकें और एग्जाम में लिख सकें। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज। तो फ्रेंड्स की जो भावनाएं थी वो एकदम कैसे बदल गई एम हैमल और स्कूल के प्रति। तो आंसर है, ये सैंपल पेपर 2024 का प्रश्न है। आंसर है फ्रेंच केम टू नो। केम टू नो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है पता चलना। फ्रेंच को जब पता चला कि इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि यह लास्ट लेसन है फ्रेंच भाषा का, दैट एम हैमल वुड गिव देम, जो कि एम हैमल उन्हें देंगे बच्चों को, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, और अगले दिन से उन्हें केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, और उसे बड़ा दुख हुआ कि उसने अपने लेसन को प्रॉपरली यानी उचित तरीके से नहीं सीखा। चलिए क्वेश्चन, ये मैंने फ्रेंच के पश्चाताप वाली फोटो लगाई है, आप इसको भी देख लीजिएगा। पश्चाताप कर रहा है फ्रेंच कि मैंने समय रहते जो है फ्रेंच भाषा नहीं सीखी, अब चूंकि अगले दिन से जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूलों में और एम एम एल भी चले जाएंगे, अब क्या हम फ्रेंच भाषा को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में क्या बड़ा अजीब और विचित्र और अनयूजुअल था जिस दिन फ्रेंच गया। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है यूजली वेन स्कूल बिगेन, प्रायः जब स्कूल शुरू हुआ करता था, देयर वॉज ग्रेट बशल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, बहुत शोर हुआ करता था, विच यानी जिसे कुड बी हर्ड सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट यानी गलियों में, बट नाउ एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु अब सब कुछ ऐसा शांत था जैसे संडे मॉर्निंग है। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ना तो डेस्क के खुलने की आवाज़ आ रही थी ना बंद होने की आवाज़ आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर सिटिंग साइलेंटली एंड लिसनिंग टू मिस्टर एम हैमल, और उसके जो सहपाठी थे वो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे और सुन रहे थे मिस्टर एम हैमल अपने टीचर को, जो उनके टीचर थे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 इस पार्ट का, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हेन ही वॉज गोइंग स्कूल। फ्रेंच ने क्या देखा जब वो स्कूल जा रहा था। ऑन हिज वे टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था, ऑन हिज वे टू, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था, फ्रेंच फाउंड दैट डे वॉज वार्म एंड ब्राइट, उसने देखा कि दिन बड़ा खुशनुमा था, हल्का गर्म था और चमकदार भी था। द वर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, और पक्षी चहचहा रहे थे जंगल के किनारे पर, एंड इन द ओपन वुड्स, यहाँ फुल स्टॉप गलत लग गया है, ये आप ना लगाएं, इन द ओपन वुड्स और खुले जंगल में द प्राशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्राशियन सोल्जर्स जो थे सैनिक थे वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग यानी प्रैक्टिसिंग, यहाँ पर वो अभ्यास कर रहे थे खुले जंगल में प्राशियन सोल्जर्स। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, यह इस पाठ का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमोसफियर इन द स्कूल। तो हमसे पूछा गया है प्रैक्टिस सेट ए में 2024 के, कि बताइए बर्लिन से जो ऑर्डर आया उसने स्कूल के माहौल को कैसे बदल दिया। उत्तर है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हशल वशल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। जो ऑर्डर बर्लिन से आया था वो जो डेली की शोरगुल वाली रूटीन हुआ करती थी स्कूल की वो एकदम स्टैंड स्टिल यानी थम गई थी। द टीचर एम हैमल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट्स एंड टॉट हिज लेसन विद मोर पेशेंस, और एम हैमल जो थे वो बड़े सिंपैथेटिक हो गए थे स्टूडेंट के प्रति और
टॉट हिज लेसन विद मोर पेशेंस, और उनने पढ़ाया था अपने पाठ को बहुत ही धैर्य से। ये पेशेंस है, पेशेंस है ना, धैर्य। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस, और स्टूडेंट जो थे बहुत ही गंभीर और एकाग्र थे उनकी क्लास में। उस दिन कोई उधम नहीं कर रहा था। तो ये 8 प्रश्न हैं इस पाठ के, जिसका नाम लास्ट लेसन है लेकिन आपकी किताब का फर्स्ट लेसन है। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न आप पढ़िए और एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम 2024 में जो पेपर आने वाला है उसके लिए ये संभावित प्रश्न हैं, मुख्य प्रश्न हैं, इन्हें पढ़ते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं लेसन नंबर 2 पर। लेसन नंबर 2 का टाइटल और शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक, यहाँ पर स्प्रिंग का अर्थ बसंत होता है, लॉस्ट का अर्थ खोया हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अनीस जंग जो लेखिका हैं उन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया बचपन, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बाल श्रम करते हैं, जो छोटे छोटे उम्र में ही काम करने लगते हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। उनने सच्ची कहानी जो उन्होंने आंखों से देखी है लॉस्ट स्प्रिंग में लिखी है अनीस जंग ने। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Why did साहिब's parent leave Dhaka and migrate to India? तो साहिब नाम का जो लड़का था, जो कचरे बीनने का काम करता था, वो ढाका छोड़कर उनके पेरेंट्स भारत क्यों आ गए? तो इसका आंसर है, साहिब's parents left Dhaka and migrate to India because many storms destroyed their fields and homes in Dhaka, Bangladesh. For livelihood, they came to India. तो साहिब के पेरेंट्स ने ढाका को छोड़ दिया जो बांग्लादेश में था, और माइग्रेट और आ गए किस तरफ, इंडिया की तरफ, क्योंकि मैनी स्टॉर्म्स यानी कई तूफानों ने डेस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर दिया था देयर यानी उनकी फील्ड्स यानी खेतों को, एंड होम्स यानी घरों को इन ढाका बांग्लादेश में, चूँकि बांग्लादेश में है। फॉर लाइवलीहुड, और वो अपनी रोजी रोटी के लिए दे केम टू इंडिया, वो भारत आ गए थे। दूसरा प्रश्न है इस लेसन का, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स एट फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकर हैं उनमें एक मुकेश की कहानी को बताया गया है अनीस जंग के द्वारा। तो कैसे डिफरेंट है बैंगल मेकर से मुकेश, ये हमें बताना है। मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी हिज ऑन मास्टर। मुकेश दूसरे अन्य जो चूड़ी बनाने वाले हैं उनसे बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि ही वॉन्टेड टू बी, वो बनना चाहता है हिज ऑन मास्टर, अपना खुद मर्जी का मालिक बनना चाहता है, वो किसी के आश्रय में काम करना नहीं चाहता। ही हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, और उसका एक सपना भी था बिकमिंग यानी बनने का मोटर मैकेनिक। वेयर एज अदर बैंगल मेकर्स डिड नॉट इवन डेयर, जबकि वेयर एज यानी जबकि अदर बैंगल मेकर्स, फिरोजाबाद में जो अन्य चूड़ी बनाने वाले थे, डिड नॉट इवन डेयर, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे टू ड्रीम, इस सपने को देखने की कि वो कुछ और बने। बट हैड एक्सेप्टेड देयर फेट, उन्होंने तो इसे अपना भाग्य मान लिया था कि अब हमारे पूर्वज ने चूड़ी बनाई है, अब हम भी बैंगल मेकर बनकर रह जाएंगे। लेकिन मुकेश इसमें डिफरेंट था, उसने मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है, व्हाई वाज साहिब अनहैप्पी व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। टी स्टॉल यानी चाय की दुकान पर काम करते हुए साहिब जो है वो बड़ा अनहैप्पी क्यों था? हम उत्तर देते हैं, साहिब वाज अनहैप्पी, साहिब जो था वो बहुत ही दुखी था। व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, काम करते वक्त कहाँ पर, चाय की दुकान पर। इवन दो ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड हिज केयर फ्री डेज, इवन दो यहाँ तक कि उसकी स्वतंत्रता और उसके बेफिक्री के दिन भी चले गए थे। ही इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर एंड इज बाउंड एंड बर्डन बाय द टी बाय द स्टील कैनिस्टर ही नाउ हैज टू कैरी। तो अब वो क्या था, अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था, और बाउंड और वो बंध गया था, एंड वर्डन और उस बोझिल हो गया था बाय द स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का पीपा होता था जिसमें चाय भर के बेची जाती थी, जो टी स्टॉल का मालिक मुकेश साहिब को दे देता था और वह उसे चाय बेचने के लिए जाना पड़ता था। ही हैज़ टू कैरी, जो उसे उठाना पड़ता है। ही यूज़ टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ हिज टी स्टॉल मास्टर, और अब तो उसे मानना और अनुसरण करना पड़ता है ऑर्डर का, किसके, अपने जो टी चाय की दुकान का जो मालिक है उसके ऑर्डर भी मानने पड़ते हैं, इसलिए वो अनहैप्पी था। क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, 2023 के पेपर में यह प्रश्न पूछ लिया गया है। अब इसकी संभावना फिर से भी बनती है, फिरोजाबाद काय के लिए फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद इज अ सिटी दैट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद एक शहर है जो प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत का केंद्र है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। इन दिस सिटी, इस शहर में एवरी अदर फैमिली इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार लगाया गया है चूड़ी बनाने में, या हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो साहिब जो है वो गार्बेज बिन यानी गार्बेज डंप यानी कचड़े में क्या ढूंढ रहा है। लुकिंग फॉर यानी ढूंढना, ये फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। वेयर इज ही, अभी वो कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया है। इस क्वेश्चन में 3 प्रश्न हैं और मेन बोर्ड आपका एग्जाम जो था 2022 का पेपर है उसमें ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, पहले प्रश्न का उत्तर है कि साहिब जो है वो सोना ढूंढ रहा है गार्बेज डंप से यानी कचड़े में। ही लिव्स इन सीमापुरी इन दिल्ली, और वो रहता है सीमापुरी इलाके में दिल्ली के। साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और साहिब कहां से आया है, बांग्लादेश से आया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। अब मुकेश अपने सपने को कैसे पूरा कर सकता है, रियलाइज कर सकता है, ये मेन बोर्ड एग्जाम 2022 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम बाय नॉट लूजिंग होप एंड बाय वर्किंग कमिटेडली टूवर्ड्स हिज ड्रीम। तो मुकेश अपने सपने को पूरा कर सकता है ठीक अपनी आशा को ना खोकर, या अपने कमिटेडली यानी संकल्पित होकर के काम करके अपने सपनों के प्रति। हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, उसका सपना है एक मोटर मैकेनिक एंड ड्राइविंग अ कार, और कार चलाना, इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिलीज प्रेजेंट सिनेरियो। उसका सपना बड़ा डिफरेंट है अपनी परिवार के वर्तमान परिदृश्य से, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में मुकेश की फैमिली चूड़ियां बनाने का काम करती है, लेकिन मुकेश का सपना मोटर मैकेनिक बनना है। तो फिर वो अपने सपने को पूरा करेगा तो कैसे करेगा, वो अपनी आशा को नहीं खोएगा और संकल्पित होकर काम करेगा तो उसका सपना पूरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम। प्रैक्टिस सेट ए और सैंपल पेपर 2024 में ये प्रश्न दिया गया है कि मुकेश कौन है भाई, उसका सपना क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको संभावित है एमपी बोर्ड के 2024 के एग्जाम में। मुकेश अ चाइल्ड लेबर इन अ ग्लास फैक्ट्री। मुकेश इज यहां पर लगा लीजिएगा आप मुकेश के बाद, मुकेश इज, मुकेश इज अ चाइल्ड लेबर इन अ ग्लास फैक्ट्री इन फिरोजाबाद। मुकेश एक बाल श्रमिक है ग्लास फैक्ट्री में जो कि फिरोजाबाद में है। बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, और उसका संबंध है एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से, या वह चूड़ी बनाने वाले परिवार से है। ही शोज नो फैसिनेशन टूवर्ड्स बैंगल मेकिंग एंड इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। उसका कोई भी फैसिनेशन नहीं है, यानी कोई भी उसकी रुचि नहीं है बैंगल मेकिंग यानी चूड़ी बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के काम में। एंड इंसिस्ट ऑन, और वो अपने आप में इच्छा रखता है बीइंग हिज ऑन मास्टर की वो खुद की मर्जी का मालिक बने, खुद अपना काम जो वो चाहे वो करे। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, वो सपना देखता है मोटर मैकेनिक बनने का। ही डिजायर्स टू गो टू अ गैरेज एंड गेट द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर दिस जॉब, और उसकी इच्छा है कि वो इसके लिए किसी गैरेज में जाए और वहाँ से वो पर्याप्त और आवश्यक प्रशिक्षण जो इस काम के लिए होता है मोटर मैकेनिक के लिए वो प्राप्त करे। ये मुकेश है और उनका ये सपना है। अंतिम प्रश्न इस लेसन का आपके सामने है जो 2023 में 3 नंबर का आया था। क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। क्या कारण हो सकते हैं माइग्रेशन के, ठीक माइग्रेशन के लोगों के गांव से शहर की तरफ आने में। तो लोग शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं गांव से, उसका कारण आपको रीजंस बताने हैं। देयर आर मैनी रीजंस दैट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल, कई कारण हैं माइग्रेशन के लोगों के फ्रॉम विलेज टू सिटी, कि वो गांव से शहर आते हैं।
सम विलेजेस वॉलेंट्रली मूव टू द सिटी, कुछ तो स्वयं अपनी इच्छा से ही आ जाते हैं इन सर्च फॉर जॉब्स, काय की खोज में, नौकरी की खोज में, एंड बेटर सिविक एंड हेल्थ फैसिलिटीज एट्सेट्रा, और अच्छे सामाजिक माहौल के लिए और स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए गांव से सिटी आ जाते हैं। अदर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, स्टॉर्म, ड्रॉट, फेमाइन एट्सेट्रा डिस्ट्रॉय देयर हाउस एंड प्रॉपर्टीज, और कुछ क्या होता है, मजबूरी में आते हैं गांव से शहर की तरफ जब नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं लाइक यानी जैसे फ्लड यानी बाढ़, स्टॉर्म यानी तूफान, ड्रॉट यानी सूखा और फेमाइन मतलब अकाल, ये सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं देयर हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज, उनके घरों को या उनकी प्रॉपर्टी को। ये रहा हमारा आंसर। तो हमने 8 प्रश्न लेसन नंबर फर्स्ट से पढ़ लिए, 8 प्रश्न हमने लेसन नंबर सेकंड से पढ़ लिए, अब बारी आती है लेसन नंबर थर्ड की। चलिए लेसन नंबर 3 की बात हम करते हैं जिसका शीर्षक है डीप वाटर, जो विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। इसमें विलियम डगलस जी ने अपनी खुद की कहानी को बताया है और उन्हें बताया है कि कैसे उन्हें पानी से डर लगता था और कैसे उन्होंने अपने इस डर को खत्म किया, क्या स्ट्रेटेजी बनाई, क्या उनके तैराकी के अनुभव रहे। आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो कैसे संकल्प लिया, क्यों संकल्प लिया डगलस ने टू गेट ओवर यानी टू गेट ओवर हिज फियर, अपने डर को जीतने का, जो काय से था, पानी से। मेन एग्जाम 2022 और सैंपल पेपर 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। आंसर है डगलस फाउंड दैट हिज फियर ऑफ वाटर हैड स्पॉइल्ड द जॉय ऑफ हिज फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, सो ही डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस को लगा कि उनके पानी के डर ने सब कुछ बिगाड़ दिया था, उनके फिशिंग के जॉय को, बोटिंग के, स्विमिंग के, इसलिए ही डिटरमाइंड, उन्होंने संकल्प लिया टू गेट ओवर यानी जीतने का हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द लेसन डीप वाटर व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। लेसन डीप वाटर में कौन से मिस एडवेंचर की बात करते हैं विलियम डगलस, बताइए। इन द लेसन डीप वाटर विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट द वन वेयर ही वॉज थ्रोन इन टू अ स्विमिंग पूल बाय एन ओल्डर बॉय। डीप वाटर में विलियम डगलस बताते हैं एक घटना के बारे में जब उन्हें थ्रोन यानी पटक दिया गया था, फेंक दिया गया था स्विमिंग पूल में, जिसका नाम था XMCA, एक ओल्डर बॉय के द्वारा, उनसे आयु में बड़े लड़के के द्वारा। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेथ एंड ऑलमोस्ट ड्राउंड, और उन्हें लगा कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं और लगभग वो डूबने वाले हैं। ही मेड 3 अटेम्प्ट्स, यहाँ एस लगा लीजिएगा, ही मेड 3 अटेम्प्ट्स टू जंप आउट ऑफ द वाटर, और उन्होंने 3 प्रयास किए पानी से बाहर आने के। ही वुड हैव ड्राउंड इफ एनी वन हैड नॉट ब्रॉट हिम आउट ऑफ द वाटर, वो डूब गए होते यदि किसी ने उन्हें पानी से बाहर ना निकाला होता, ये बताते हैं विलियम डगलस। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। कैसे इंस्ट्रक्टर ने, निर्देशक ने एक तैराक को तैयार किया और डगलस के अंदर से एक तैराक को बाहर निकाला। आंसर है द इंस्ट्रक्टर वर्कड ग्रेजुअली ऑन डगलस साइकोलॉजी, मूव्ड ऑन टू हिज फिजिकल मूवमेंट्स एंड देन इंटेग्रेटेड ईच पार्ट टू बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ हिम। इंस्ट्रक्टर ने धीरे धीरे काम किया डगलस के ऊपर, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर और उनके फिजिकल मूवमेंट्स यानी शारीरिक गतिविधियों पर, एंड देन इंटेग्रेटेड, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया और एक उन्होंने तैराक बना दिया आउट ऑफ हिम, जो कि डगलस से बाहर आ गया। आफ्टर सेवरल मंथ्स ही टोल्ड हिम टू स्विम इन द लेस डीप एरिया ऑफ द पूल। आफ्टर सेवरल मंथ यानी कई महीनों के बाद ही टोल्ड हिम, इंस्ट्रक्टर ने कहा डगलस से कि वो जाए और तैरे, टू स्विम इन द लेस डीप एरिया ऑफ द पूल, वो पूल के उथले भाग में जाकर तैराकी शुरू करे और अपनी प्रैक्टिस करे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। मेन बोर्ड एग्जाम 2023 में
और प्रैक्टिस सेट बी में यह प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर का। हम आंसर देखते हैं कि कैसे डगलस ने अपने पानी के डर को जीता। व्हेन डगलस ग्रीव अप, जब डगलस बड़े हुए, ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, तो उन्होंने मदद ली एक निर्देशक की, एक तैराकी सिखाने वाले व्यक्ति की, लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने के लिए। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सेल अंडर वाटर एंड इनहेल थ्रू रेज्ड नोज, तो इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया एक्सेल करना पानी के अंदर एंड इनहेल करना थ्रू रेज्ड नोज, बाहर आकर के नाक उठा करके कैसे सांस को खींचना है वो सिखाया। आफ्टर सेवरल मंथ्स द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम इन द लेस डीप एरिया ऑफ द पूल, कुछ महीनों के बाद इंस्ट्रक्टर ने उनसे कहा कि जाओ और उथले एरिए में जो पूल का है उसमें तैराकी करो। ही डिड इट फाइनली, और अंततः उन्होंने ये किया। एंड लाइक दिस ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और इस तरह से उन्होंने पानी के डर को जीत लिया। चलिए, तो ये हमारे 3 लेसन खत्म हो गए हैं। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ। चलिए छात्रों, अब चलते हैं हम लेसन नंबर 4 पर, और टाइटल है द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का अर्थ होता है चूहा दानी, जिसमें चूहा पकड़ा जाता है। इस पार्ट को सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है। इसमें क्रॉफ्टर पैडलर, एडला विलमिंसन, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। कहानी क्या है किसी और वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं इस पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर 2023। 2023 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रॉफ्टर इतना बातूनी और मित्रवत क्यों हो गया था पैडलर के साथ। तो द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर because Crofter was a lonely person। Crofter बड़ा बातूनी और मित्रवत हो गया था पेडलर के साथ, because यानी क्योंकि Crofter was a lonely person, वो अकेला व्यक्ति था। यहाँ lonely का मतलब है अकेला। He had no wife, उसकी पत्नी नहीं थी, and child, उसके बच्चे भी नहीं थे, बच्चा भी नहीं था। He was very happy to talk with the peddler and he got relaxed from his loneliness। और उसे बड़ी खुशी हुई पेडलर के साथ बात करके, और उसे मिला बड़ा आराम। किससे? अपने अकेलेपन से, तब क्योंकि क्रॉफ्टर अकेला रहता था। और जब पेडलर उसके घर आया तो उसने उससे बातें की, उसके साथ गेम भी खेला और उसे बड़ा अच्छा लगा। तो यह क्वेश्चन का आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रैप। कहाँ से पेडलर के दिमाग में ये आइडिया आया कि जो पूरी दुनिया है वो एक रेड ट्रैप है, चूहादानी है। सैंपल पेपर 2024 में यह क्वेश्चन दिया गया है। वन डे द पेडलर वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रैप, सडनली एन आइडिया केम इन टू हिज माइंड दैट द होल वर्ल्ड वॉज लाइक अ रेड ट्रैप इन विच डिफरेंट अट्रैक्शंस आर कैप्ट। एक दिन पेडलर सोच रहा था बैठे बैठे, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। चूहादानी देखते देखते वो सोचने लगा, एक आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि ये जो पूरी दुनिया है ये भी एक चूहेदानी की तरह है, इन विच यानी जिसमें डिफरेंट अट्रैक्शन यानी कई प्रकार के आकर्षण आर कैप्ट यानी रखे जाते हैं। वन हु टचेस दिस बैट, वन हु, यहाँ वन हु का मतलब है जो लोग, वन हु मतलब जो लोग इस लालच को छू लेते हैं। यहाँ मैंने इसको बैट शब्द को येलो कर दिया है क्योंकि इसका अर्थ होता है लालच या वो टुकड़ा जो चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए लगाया जाता है। तो जो लोग इस लालच को छू लेते हैं, स्ट्रैप्ड इन दिस स्नेयर, और वो फंस जाते हैं इस फंदे में। स्नेयर का मतलब होता है फंदे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इस लेसन का है, व्हाट कॉज्ड द पेडलर टू एक्सेप्ट एडला वेल मेंशन इनविटेशन। तो यहाँ पूछा गया है क्या कारण से पेडलर ने स्वीकार कर लिया था एडला विलमिंसन का निमंत्रण। एडला विलमिंसन वॉज वेरी काइंड एंड इनोसेंट। तो एडला विलमिंसन जो थी बड़ी ही दयालु और भोली भाली लड़की थी। सी हैड डीप सिंपैथी विद द पेडलर, उनकी पेडलर के साथ बहुत गहरी सिंपैथी थी। हर फ्रेंडली नेचर मेड द पेडलर, और उनके मित्रवत व्यवहार ने पेडलर को मजबूर कर दिया एक्सेप्ट करने में एडला विलमिंसन के इनविटेशन को। और पेडलर ने विलमिंसन का जो इनविटेशन है वो
क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। कहानी को आप पढ़ लेंगे, आपके पास समरी होगी तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये एक बहुत उचित आंसर मैंने आपको बना कर दिया सरल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4 इस लेसन का है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। मेन बोर्ड एग्जाम 2022 की परीक्षा में यह प्रश्न 3 नंबर का आया है और सैंपल पेपर में भी यह 2024 के प्रश्न मौजूद है। क्या है प्रश्न? व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। तो पेडलर ने ठीक अपना रास्ता क्यों बदल लिया आखिरकार? आंसर, द पेडलर वॉज ट्रीटेड वेरी फ्रेंडली बाय एडेला। एडेला के द्वारा जो व्यवहार किया गया पेडलर के साथ वो बड़ा ही मित्रवत था। सी एंटरटेन्ड हिम, उसने उसके साथ एंटरटेन भी किया। इवन आफ्टर नोइंग हिज आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी जानने के बावजूद भी एडेला को मालूम था कि जो पेडलर है वो एक चोर है जिसने कुछ पैसे चुराए हैं क्रॉफ्टर के और वो उन पैसों को लेकर के यहाँ आया है। सी गिफ्टेड हिम अ सूट ऑन क्रिसमस, और उसने एक गिफ्ट भी किया सूट किसको, पेडलर को, क्रिसमस पर। व्हेन द पेडलर गॉट द ऑनर एंड रिस्पेक्ट, और जब पेडलर को इतना सम्मान मिला और इतनी इज्जत मिली तो ही चेंज हिज वे, तो उसने अपना रास्ता और दिमाग बदल लिया। उसने सोचा कि अब मैं इन जो क्रॉफ्टर के पैसे हैं जो मैं चुरा कर लाया हूँ ये उस तक पहुँचा दूंगा वापस, ताकि जो मैं रेड ट्रैप में फंस गया था उससे मैं आज़ाद, मतलब मैं उससे आज़ाद हो जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इस लेसन का, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इनडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप। मेन बोर्ड एग्जाम के मैं 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। 2022 के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इनडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप, कैसे पता चला, कैसे उसको एहसास हुआ कि वो पड़ गया था वो रेड ट्रैप, यानी किसी जो चूहादानी का जाल है उसमें वो फंस गया था। पेडलर को कैसे ये उसने एहसास किया? द पेडलर हैड 30 क्रोनर इन हिज पॉकेट, तो पेडलर के पास 30 क्रोनर थे। क्रोनर जो है ये करेंसी विदेशी है, ठीक, तो उसके पास 30 मान लीजिए रुपए या पैसे थे उसके पॉकेट में। इट वॉज अ बैट, और ये एक लालच था। दैट हैड ट्रैप्ड हिम, जिसने उसको फंसा लिया था। नाउ ही वॉज नॉट गेटिंग वे टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, और उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था इस ट्रैप और इस जाल से निकलने का।